हेलो दोस्तों, ग्रोइंग जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2021 और आज मैट्रिक बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोगों को अभी भी मार्कशीट के साथ रिजल्ट देखने नहीं आ रहा है, तो वही मैं आपको आज बताऊंगा कि मार्कशीट के साथ रिजल्ट कैसे चेक करें। तो वीडियो में बने रहें, आपको हर चीज़ पता चलेगी। तो आप सबसे पहले क्रोम को खोलेंगे, उसके बाद ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे नीचे ऑनलाइन bscb.in/examination/home/stud रिजल्ट। बस इस कॉपी को, इस लिंक को आप लिख सकते हैं टाइप करके, या फिर वो मैंने लिंक को कॉपी किया हुआ है उसको डायरेक्ट आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, onlinebscb.in/home/examination/home/stud रिजल्ट। तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, आप नीचे तक देख लेंगे। और इसमें जो पूछ रहा है रोल कोड, तो रोल कोड आप देंगे। मेरा रोल कोड है मेरे भाई का 54001 और रोल नंबर है 21,395। और ये जो एडिशन होगा इसको लिख लेंगे, 9312। तो गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शुरू शुरू में परेशानी ये हो रही है कि पहली बार क्लिक करेंगे जब हम गेट रिजल्ट पे, तो पहली बार में एरर दिखा देगा। तो बार बार हम उस पर प्रेस करेंगे, 5 से 7 बार 8 बार 10 बार, जब तक कि यहाँ पे गेट रिजल्ट दिखाई ना दे, यानी कि ग्रीन ना हो जाए। यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, तो हम क्लिक करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। अभी भी एरर दिखा रहा है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। अभी शुरू शुरू में बहुत सारा लोड पक रहा है अभी वेबसाइट पे, इसलिए अभी एरर दिखा रहा है। और फाइनली यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, और यहाँ पर उसकी मार्कशीट पूरी आ गई है हमारे सामने। तो इसी तरह इसके नीचे एक प्रिंट का भी ऑप्शन है, तो वहाँ जाके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट रिजल्ट के ऑप्शन पर मैं इसको प्रिंट कर ले रहा हूँ, और इसे कुछ समय लगेगा प्रिंट होने में। तो दो पेज हो रहा है, एक पेज पर हमारा रिजल्ट है, एक पेज को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, और जो भी नाम से सेव करना होगा अपने फ़ोन के स्टोरेज में सेव कर लेंगे। मैं रिजल्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ और डन कर देंगे। फिर इसी तरह अभी भी देखिए, यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर का जो स्पेस होता है वो खाली हो चुका है। तो अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करता हूँ। तो आप इसी तरह बार बार एक ही वेबसाइट पर जाकर अलग अलग स्टूडेंट्स के रोल कोड और रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। आपको फिर से वो वेबसाइट खोलनी नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार अगर रिजल्ट आ गया सामने तो बस उसके बाद वो स्पेस ब्लैंक हो जाता है। तो एक और मैंने बार बार प्रेस किया गेट रिजल्ट पे, तो एक और रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो बेसिकली यही है कि आपको गेट रिजल्ट पे बार बार क्लिक करना होगा, 5 से 7 बार, जब तक कि यहाँ पे सक्सेस प्लीज़ गेट योर रिजल्ट पे रिजल्ट ये नोटिफिकेशन ना शो कर दे। तो बस यही है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।